बिल्कुल जायज नहीं है। जब 20 मई को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया तो पता चला कांग्रेस, सपा, बहुजन समाज पार्टी, इन लोगों ने ऐसा हो हल्ला किया, आंदोलन किए, आपजनी की, और ये ऐसा माहौल विरोधी पार्टियों ने किया कि जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दलितों को खत्म कर दिया, ये माहौल पैदा किया गया। संशोधन किया गया, पार्लियामेंट में किसी ने विरोध नहीं किया, पास हो गया। अब जब पास हो गया, क्योंकि 19 का इलेक्शन आ रहा है, ये कोई नया अधिनियम नहीं है, 1989 का एक्ट है, और उसी को जो सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश के तहत ये कहा था जांच के बाद मुकदमा कायम किया जाए, वो ओरिजिनल एक्ट में उसको लाया गया। और इसका जो है, जो ये अब किया जा रहा है कि इसका मिसयूज होगा, मिसयूज तो सबसे ज़्यादा IPC केसेस होते हैं। हत्या में एक करता है, 4 नामजद होते हैं, दहेज में पूरा परिवार नामजद होता है, तो हर जगह ये है। लेकिन ये पुलिस का काम है, और हम एज आयोग के अध्यक्ष मैं सुनिश्चित करता हूँ कि अगर कोई आयोग में गलत केस आता तो उसको रिलीफ नहीं मिलती। उसका एग्जाम्पल आप देखे होंगे, आज मथुरा का है कि वो झूठा मुकदमा था, उनको जेल भेजा गया, बुट्टी देवी उसके देवर को, और जो एक महीने से जेल में, उनको साथ सम्मान छुड़ाया गया, आर्थिक सहायता जो था DM को लिखा उसको वापस किया जाए। तो इस तरह से ये एक हल्ला करना एक केवल राजनीतिक कारणों से, जो BJP के विरोधी लोग हैं वो कर रहे हैं, ऐसा कोई तथ्य सर आपका बिल्कुल नहीं है। जाँच कोई भी करता है, ऐसा कोई नहीं किसी हो, ऐसा आपको किसने बता दिया? कोई भी हमारे यहाँ इसकी जांच DSP करता है, और कई लोग होते हैं हर जात बिरादरी के लोग, उसमें कोई नहीं किसी का कर। दूसरा मुकदमा जो है, FIR जो कायम होना, जो कानून में 154 CRPC में, कि कोई भी अगर कोई घटना की सूचना देता है, उस पर कोई घटना बनती है, तो पुलिस उसको मुकदमा कायम करने के लिए बाउंड है। ये नहीं कि पहले जांच कर ले तब मुकदमा, ये हमारा कानून है, और उसमें अगर गलत है, जैसे मथुरा वाले केस में 302, 201, 195 उसमें IPC में कार्रवाई हो रही है। ये चीज़ दुरुपयोग जो है वो तो हर चीज़ में होता है, लेकिन हमारा काम है कि हम इसको देखें, हमारी पुलिस देखें। FIR में किसी को नामजद करने का ये नहीं मतलब होता उसको जेल भेजिए। FIR में नामजद होने से कोई मुलजिम नहीं हो जाता। FIR का मतलब सही FIR है तो ज़रूर जेल जाएगा, लेकिन गलत FIR है, गलत नामजद है तो पत्ते नहीं। क्या सर लगता है 2019 में इससे कोई फर्क पड़ने वाला है? SC ST SC ST सब प्रसन्न है, बाकी लोग भी प्रसन्न है, और ये जो किया गया, मैं हर जिले में 25-30 जिलों का मैं भ्रमण कर चुका हूँ, और हर जगह बताता हूँ कि ये चीज़ जो अब पहले ये फैलाया गया कि दलितों को जो है, हितों को जो है कुचल दिया गया, और अब ये फैलाया जा रहा है कि दुरुपयोग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। इसलिए इसका कोई नहीं, हम 2019 में मोदी जी दोबारा प्रधानमंत्री होंगे, बड़ी अच्छी मजा।